हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नुपुर और नुपुर्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ चिकन मोमो की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे मोमो की। यहां पर मिन्स्ड चिकन हमने लिए हैं 200 ग्राम के करीब, और दो प्याज हमने यहाँ पर बारीक कट करके लिए हैं। तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। जो लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया है, अदरक को भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे काट लिए हैं, बारीक कट लिया है। करीब यहाँ पर 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम है। और 3 मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ले ली है, उसको भी हम काट करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस। डार्क सोया सॉस हम यहाँ पर 2 टीस्पून यूज करेंगे। वन टीस्पून विनेगर हमें यहाँ यूज करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम नमक यूज करेंगे। 1 टीस्पून नमक हम यहाँ यूज करेंगे। आप जितना नमक खाते हैं फ्रेंड्स, आप स्वाद अनुसार यूज कीजिए। ये बटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तेल हम यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तेल जो है थोड़ा लिक्विड ही होता है, तो जब हम मोमो में डालेंगे तो वो ड्रिप कर सकती है। तो इसको हम अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अंदर से मोमो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी इस बटर के कारण। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसमें से हम लगभग 1 टेबलस्पून के करीब इसको हम अलग से उठाकर रख देंगे। जब हम मोमो का सूप बनाएंगे मोमो के लिए, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। लास्ट में हम दिखाएंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने उठाकर रख लिया है। आप अकॉर्डिंगली कीजिए कि आप कितना सूप बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम मोमो का आटा लगाएंगे। मोमो का आटा लगाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप मैदा ले लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यूज किया है। स्टार्टिंग में फ्रेंड इसमें हम तेल नहीं यूज करेंगे। इसमें बिल्कुल ही ठंडा पानी से हम इसको आटा लगाएंगे। मैंने एकदम फ्रिज का पानी ले लिया है, तो धीरे धीरे इसका हम आटा लगा लेंगे। इसमें फ्रेंड इस तरह से थोड़ा सा ये हो जाए, इस तरह थोड़ा सा ये बाइंड होने लगे, अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी यूज करेंगे। वन टीस्पून चीनी हम इसमें मिलाएंगे। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर हम मिलाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड, बेकिंग पाउडर मिलाने के बाद थोड़ा सा हम इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 टीस्पून, एक ढक्कन जितना, 2 कप आटे में तेल, एक ढक्कन जितना विनेगर, व्हाइट विनेगर हम यहाँ यूज करेंगे। ये विनेगर से ये जो आटा है बहुत ही सॉफ्ट और लचीला बन जाएगा। तो इसको हम अब पूरी तरह से गूंद लेंगे, वो भी बिल्कुल ठंडे पानी से।
क्रीम आने तक हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम मोमो की तैयारी करते हैं। ये एक घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था। इसको एक बार और फाइनली हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा मैदा हम हाथ में लेकर इसको भून लेंगे, ज्यादा मैदा नहीं लेंगे नहीं तो ये पूरा हार्ड हो जाएगा। तो जैसे ही है उसको हम थोड़ी और अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐसे मैंने कुछ बना लिए हैं, इसमें थोड़े से मैदा छिड़क कर इसको ताकि चिपके नहीं, इस तरह से करके हम इसमें रख देंगे थोड़े थोड़े करके। देखिए मैंने यहाँ पर ढक कर भी रख लिया है क्योंकि खुला रखेंगे तो ये फिर से टाइट हो जाएगा। तो एक एक करके हम इसको ले लेंगे, बाकी का हम इसको बेल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पतला बेलना है और साइड को हमें और पतला बेलना है। ये हमारा हो चुका है, अब साइड को हम थोड़ा सा पतला करने के लिए इनवर्ड हम इसको स्ट्रोक मारेंगे इस तरह से, ताकि ये जो एक्स्ट्रा है वो मिडिल में आ जाए और जब हम स्टफिंग डालें तो ये स्टफिंग का जो पानी थोड़ा सा रिलीज भी हुआ होगा तो उससे ये गीला नहीं हो। ये देखिए ये पतला हो गया और मिडिल थोड़ा सा मोटा हो गया। अब बाकी के ओरियो को भी हम बेल लेंगे। अब हम इसको स्टफिंग डाल के मोमो तैयार कर लेंगे। हम इसको थोड़ा सा भर भर के डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो मिक्सचर है अजीनोमोटो भी डालते हैं बहुत लोग, पर मैं अजीनोमोटो प्रेफर नहीं करती हूँ। इसमें अजीनोमोटो पसंद करते हैं तो आप मिक्सचर बनाते वक्त इसमें डाल सकते हैं। देखिए ये मैं इस तरह से फिट कर रही हूँ, इस तरह से एक एंड को लेंगे ये। इसके हाथों से स्टफिंग को एक अंगूठे से इस तरह से अंदर की तरफ हम दबाते जाएंगे और इसको इस तरह से पेट सब डालते जाएंगे। बन गए हमारी मोमो।